वृंदावन में भैया दोबारा से बाढ़ आने लगी है। ये आपको पता होगा कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगभग 3 से 4 लाख क्यूसेक यो यमुना जी का जल है दिल्ली की ओर छोड़ा गया है और उसके बाद लगभग 1 से 2 दिन में वृंदावन में भी आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो पानी भरा हुआ था जल ऊर्जा था वो कम हो चुका है। इधर दिखाइए, इधर यमुना जी की 2 सीढ़ियाँ दिखने लगी हैं, 2 सीढ़ियाँ पानी उतर गया है। यही चाहते हैं कि मतलब धीरे धीरे छोड़ा जाए जो भी जल स्तर को अचानक से। खबर को सुन के नहीं आता ऐसे लग रहा होगा कि कहीं ज्यादा पानी नहीं आए। साथियों को राधे राधे, आप सभी देख रहे हैं सूरज ब्रजवासी, मैं हूं आपके साथ सूरज। साथियों अभी मैं हूं वृंदावन के केसी घाट पे, मेरे पीछे आप यमुना जी देख सकते हैं, यमुना जी किस प्रकार से कल कल बह रही है यहाँ पे। और जैसा कि हमने आपको कल वीडियो बना के दिखाई थी, आपको बताई थी कि वृंदावन में भैया दोबारा से बाढ़ आने लगी है, दोबारा से जो जल स्तर है वृंदावन का बढ़ने वाला है, बाढ़ की स्थिति बन रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगभग 3 से 4 लाख क्यूसेक यो यमुना जी का जल है दिल्ली की ओर छोड़ा गया है और उसके बाद लगभग 1 से 2 दिन में वृंदावन में भी आ जाएगा। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 तारीख को शाम को 7 बजे। तो अभी वृंदावन का ये हाल है, आप देख लीजिए। अभी यहाँ पे जो पानी भरा हुआ था जल ऊर्जा था वो कम हो चुका है। इधर दिखाइए, इधर यमुना जी की 2 सीढ़ियाँ दिखने लगी हैं, 2 सीढ़ियाँ पानी उतर गया है, देख पा रहे हो। और मैं आपको बता दूँ सामने वाले जो खेत थे पूरे डूब गए थे, वो भी दिखने लगे हैं। तो ये आज का हाल है 24 तारीख के शाम का। अभी तक तो कोई बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन पानी दिल्ली से आएगा तो यहाँ हालत बन सकते हैं। अभी काली देह परिक्रमा मार्ग जितने भी स्थान वृंदावन में सब जगह से पानी उतर चुका है, कहीं भी पानी नहीं है। तो ये हाल साथियों वृंदावन के, और ये लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ से हम कुछ ब्रजवासियों से भी बात करते हैं कि वो इस बाढ़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या भय है उनके अंदर, क्या आनंद है, क्या है, दो चार लोगों से बात करते हैं। साथियों हमारे साथ एक ब्रजवासी भैया मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? अजय। अजय नाम है। आप यहाँ पे क्या सेवा वगैरह करते हो, क्या करते हो घाट पर? स्थानीय हो? स्थानीय हूँ मैं। अच्छा, तो आपने सुनी होगी भैया कि वृंदावन में दोबारा से बाढ़ आए वाली है, खबर सुनी है कि नहीं सुनी? सुनी है। आएगी दोबारा से, दिल्ली से हरियाणा से पानी छोड़ दिया गया वृंदावन में आएगा। तो भैया सुन के कैसा लग रहा है तुम्हें, मतलब क्या अनुभव है? दोबारा से वही हाल हो जाएगा जो पहले था? पहले कैसा हाल हुआ वो तो जैसा था। सुन के अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो कछु जाके बारे में? बुरा नहीं लगेगा यार, आदमी जन जा कहाँ जाएगी, हम उनको बुरा नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, ये हम पे भैया के हाल हैं। देखिए कुछ साधु संतों से भी पूछते हैं यहाँ पे। आओ राधे राधे। वृंदावन में दोबारा तो बाढ़ आ रही है, पानी छोड़ा जा रहा है, तो कैसा लग रहा है उसको, खबर को सुन के? सुनी है कि नहीं तुमने खबर? सुना है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, दोबारा से ऐसे जल हो जाएगा, अच्छा है कि लोगों घरों में पानी चला जाएगा, पानी जनजीवन अभी प्रभावित होगा इससे? वो तो हो ही, होना ही होना है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से मतलब आपके भाव से ठीक है ये चीज़? ठीक है। बाबा राधे राधे। वृंदावन में दोबारा से पानी छोड़ा जा रहा है, दोबारा से बाढ़ आने वाली है, आपने सुन लिया होगा ये खबर जो है। हाँ। कैसा लग रहा है सुन के? हाँ यार, थोड़ा सा पानी ज़्यादा बढ़ जाने में दिक्कत तो थोड़ा हो ही रही है। हाँ। ये ठीक है कि नहीं, मतलब ब्रजवासी इससे खुश हैं, आप खुश हैं कि वही जनजीवन को परेशानी होगी? नहीं, तो कोई खुश भी है, किसी को दिक्कत भी हो रही है, ऐसा नहीं कि सब खुशी है। किसी को अगर तकलीफ है तो वो मतलब यहाँ पे ऐसे भैया रिव्यू मिल रहे हैं कि लोग खुश भी हैं इस चीज़ से जल बढ़ने से, कुछ लोग दुखी भी हैं क्योंकि जनजीवन भी इससे प्रभावित होने वाला है, लेकिन और यमुना जी प्राचीन स्वरूप में भी लौटने आने वाली हैं। कुछ लोगों से और बात करते हैं। राधे राधे। आज कुछ और ब्रजवासियों से बात करते हैं, हमारे साथ भैया मौजूद हैं। भैया राधे राधे। राधे राधे। आप किसी घाट पर सेवा करते हो क्या? जी हाँ जी हाँ। क्या नाम है? रजत। तो आपने खबर सुनी होगी वृंदावन में दोबारा से बाढ़ आने वाली है। हरियाणा से दिल्ली से पानी छोड़ दिया गया है, 1-2 दिन में शायद पहुंच जाएगा। हाँ। तो ये सुन के आपका भाव कैसा है? अच्छा लग रहा है कि जनजीवन अस्त व्यस्त होगा इससे, कैसा लग रहा है, क्या भाव है आपका कि यमुना जी दोबारा से बाढ़ आएगी, जल स्तर बढ़ जाएगा? पिछली बार लगभग यहाँ तक बढ़ गया था। हाँ जी, तो कमर से ऊपर हो गया। तो भैया क्या कहना चाहोगे आप इस पर? हम यही चाहते हैं कि मतलब धीरे धीरे छोड़ा जाए जो भी जल स्तर को अचानक से मतलब ना बढ़े। होगी लगभग 4 लाख क्यूसेक मात्र जो है पानी छोड़ा गया है वहाँ से। तो आप इस चीज से भैया ये भी समझते हो यमुना जी हमारे पुराने स्वरूप में तो आई रही हैं, प्राचीन स्वरूप में, लेकिन इससे वृंदावन वासियों को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। हाँ। तो क्या कैसे लेना चाहोगे इस चीज को? खुशी भी है, कहीं एक तकलीफ भी है। हाँ, ये तकलीफ ये है जो कि किनारे के लोग रह रहे हैं, जो निवास कर रहे हैं, जो है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है, जानवरों के लिए दिक्कत है। परिक्रमा मार्ग में जैसे उस बार पूरा पानी भर गया था, तो ये प्रॉब्लम है। दोबारा आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा जो होगा तो परेशानी तो बिल्कुल आएगी। ब्रजवासियों के अलग अलग मत हैं यहाँ पे यमुना जी के, जो बाढ़ आने वाले उसके लेकर एक भैया से बात करते हैं। भैया राधे राधे। अच्छा अच्छा भैया, आपने सेट है मामला बढ़िया, और किस यहाँ बात करते हैं।
कहाँ दे रहा थे भैया? दोबारा से पानी छोड़ो जा रहा हो, जमुना जी में बाढ़ आएगी, इसके बारे में कुछ बाबा आपके क्या कुछ कहना चाहोगे? पानी तो आएगा और क्या हो, जो खबर सुन ली होगी तुमने जो दिल्ली से पानी छोड़ा जा रहा है, तो क्या कैसा लग रहा है सुन के उसको खबर को? खबर को सुन के नहीं आता, ऐसे ही लग रहा होगा कि कहीं ज़्यादा पानी नहीं आए। पिछली बार कैसा लग रहा है, पिछली बार से ज़्यादा आएगा कि 2010 से ज़्यादा पानी है अब? नहीं, अब जो दोबारा पानी छोड़ा जा रहा है दिल्ली से, क्या लग रहा है कि अब कुछ दिन पहले जो बाढ़ गई है उससे ज़्यादा रहेगा कि इतना ही रहेगा? नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं आएगा कहीं। 4 लाख क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा गया, आपको खबर है इसके बारे में? 4 लाख तो बहुत होगा। हाँ, पिछली बार से ज़्यादा पानी आने वाला है वृंदावन में इस बार, तो कैसे सोचते भैया इसके बारे में, क्या राय है तुम्हारी, क्या अनुभव है? ना, हमारी तो अनुभव यही है काका, इतना पानी होना ही चाहिए। वृंदावन वासियों को बहुत तकलीफ होगी। खैर, वो तो ठीक बात है, यमुना जी अपने प्राचीन स्वरूप में आएंगी तो वृंदावन वासियों को बहुत तकलीफ होने वाली है इससे। वृंदावन में सवन हो गई तो हम हो गई, ये थोड़ी नहीं है। आप भैया यहाँ पर किसी घाट में नाम चलाते हो, क्या करते हो? बोट चलाता हूँ। बोट चलाते हो तो भैया, अच्छा तुम्हारा भी इससे जनजीवन व्यस्त होता होगा जब नाव? हमारा रोजगार मर जाता है। तो भैया ब्रजवासियों का अलग अलग मत है यहाँ पे, कोई कह रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यमुना जी प्राचीन स्वरूप में आ गई हैं, भैया जैसे लोगों का तो पूरा रोजगारी इसी से चल रहा है और वृंदावन वासी भी दुखी है इससे, तो ये कुछ यमुना जी आने से यहाँ होने वाला है। तो अभी हम आपको वीडियो दिखा रहे थे केसी घाट से, ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिएगा सूरज ब्रजवासी। राधे राधे।